पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का नाम हर किसी की जुबान पर है। कुछ लोग सीमा से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं तो कुछ लोग उसे चालबाज या धोखेबाज बता रहे हैं। सीमा फिलहाल नोएडा के जिस गांव में रहती है वहीं से इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर सचिन अरोड़ा की ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी। इस नाम को पहचानते हैं आप? ग्रेटर नोएडा से 40 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देखिए, रबुपुरा में। आखिरकार क्या है ये रबुपुरा? आज से पहले कोई जानता भी नहीं था और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ना केवल दुनिया में हो रही है, आखिरकार क्या इस छोटे से गांव में हुआ कि ये पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गया? एक महिला, या यूं कहें कि एक अनोखी प्रेम कहानी, एक महिला जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से चलती है, दुबई पहुंच जाती है, दुबई से नेपाल आ जाती है, उसको पता है भारत कैसे आना है, शादीशुदा है, लेकिन कहती है कि वो यहाँ प्रेम करती है, उसका प्रेमी यहाँ रहता है रबुपुरा में, नाम है उसका सचिन, उसके साथ यहाँ पर आ जाती है, एजेंसीज को पता लगता है, एजेंसीज पूछताछ करती हैं, फिलहाल जमानत पे है, लेकिन ऐसे में किरदार पता लगता है कि वो तो पहले से शादीशुदा है, उसका जो पति है गुलाम मोहम्मद वो तो पहले से सऊदी में बैठा हुआ है, फिर ऐसे में और किरदार सामने आते हैं, तमाम चीजें उठती हैं। क्या सिर्फ ये एक अनोखी प्रेम कहानी है, गदर पार्ट टू है, या एक जासूस की बहुत तगड़ी साजिश है? इसके पीछे की परतें क्या हैं? और दूसरा ये कि तमाम किरदार आपने देखे, सिर्फ सीमा, सिर्फ सीमा, सिर्फ सीमा, सिर्फ सिर्फ सीमा, लेकिन रबुपुरा असल में आज आपसे कुछ कहना चाहता है। हम एक एक किरदार तक जाएंगे, एक एक आदमी जो उस परिवार को जानता है उस तक जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, उस गांव के एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और उससे बात करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे क्या कुछ गहरा राज है। सचिन चुप रहता है, सचिन बात नहीं करता, सचिन की खामोशी क्या कहती है? सब कुछ सीमा कहती है, सवाल ज्यादा होते हैं तो भाग जाती है। तो सचिन से बात करेंगे, बहुत से लोग सचिन को जानते हैं, सचिन ऑटो चलाता था, सचिन कहाँ ऑटो चलाता था, सबसे पहले उस बाजार में लिए चलेंगे। तो तमाम चीजें, महेंद्र है मेरे साथ, ये देखिए महेंद्र, 4-5 दिन से महेंद्र यहीं पे हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं। आपने तो बहुत इंटरव्यू किया ना सीमा? बिल्कुल, देखिए सचिन, जब हम सीमा से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब सचिन उसके साथ में बैठा रहता है तो उसको लगता है कि सीमा शांत करा देती है, और कहीं ना कहीं देखिए रबुपुरा सचिन का पैतृक गाँव है, सचिन शांत रहता, हैरानी हमें होती है क्योंकि हम एक दर्शक की नजर से नहीं देखते। ये उसका पैतृक गांव यहीं पैदा हुआ है, पैतृक, हाँ, ये सचिन का पैतृक गांव है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब पूरी दुनिया सीमा के पीछे पड़ी है, मगर आज हम सचिन से पूछेंगे कि आखिर कैसे वो नेपाल गया। हाँ, सचिन कैसे नेपाल गया, सचिन कैसे मिल गया? तो हम उस तमाम जगहों पर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर सीमा और सचिन रहते हैं। तो चलें, तैयार हो? बिल्कुल, अब हम सीधा रबुपुरा पहुंच चुके हैं, आप बोर्ड देखिए, यहीं से रबुपुरा का सफर स्टार्ट होगा। तमाम चैनल आगे जाते हैं मगर हम आज सारी पड़ताल, सचिन क्या करता था, सचिन की पढ़ाई कैसी थी, सचिन के दोस्त क्या कहते हैं, और सचिन किस टाइप का लड़का है, तमाम चीजें आज हम सचिन के बारे में खंगालेंगे। बिल्कुल, आज एक एक परत जो है अनफोल्ड होगी इंडिया न्यूज पर, तो चलिए चलते हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं रबुपुरा का, ये है मेन चौक, यहीं से ये जो गली है, यहीं से ये गली जो जाती है जहाँ पर सीमा हैदर या फिर सीमा भाभी जो गांव वाले इस वक्त पुकार रहे हैं वो पहुंची हुई है सचिन के घर, यही वो उसका पैतृक गांव है। लेकिन ये बाजार आपको किसी ने अब तक नहीं दिखाया, उस गली में हर कोई ले जाता है, दरवाजा खटखटाता है, उससे बात करता है, वो जितनी बात करती है बात सुन लेते हैं, वो जितना बोलती है बस उसमें यकीन हो जाता है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अरे भैया, सचिन तो यहाँ का है, वो एक अहम किरदार है, हम आपको शुरू से कह रहे हैं, वो अगर ऑटो चलाता था, किराए का ऑटो चलाता था, जहाँ पर लोगों ने देखा तो होगा कि छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, ये दो गली अंदर हैं और एक छोटा सा ये चौक है, यहाँ चार दुकानें हैं, तो इन्होंने तो देखा होगा, इन्होंने देखा, बाकायदा बात करते हैं, पड़ताल करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि हम अंतिम किरदार, सीमा अंतिम किरदार नहीं है, हमने कहा कि और जो बाकी किरदार हैं इस स्टोरी के उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिरकार ये अनोखी प्रेम कहानी है, क्या ये कोई जासूसी कहानी है, या फिर यहाँ के लोग जो हैं वो अब इसे किस नजर से देख रहे हैं। लोगों से तो पूछे, महेंद्र, महेंद्र हम इस वक्त क्या ये मेन
चौक पे मेन बाजार में आ चुके हैं। बिल्कुल, ये रघुपुरा का मेन चौक है, बाजार है, और यहाँ की आपको रौनक देखने को मिल रही होगी किस तरीके से खरीदारी चल रही है। मगर इसी बीच जब सचिन और सीमा का विवाद चलता है, जब बात चलती है, तो कहीं ना कहीं लोग हैरान होते हैं कि किस तरीके से जो सीमा है वो पाकिस्तान से इस रघुपुरा गांव में आ जाती है। इस रघुपुरा का इतिहास बहुत सुंदर है, अगर आप सचिन जानना चाहेंगे तो जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, अभी तो चर्चा में ही सीमा हैदर की वजह से। आज से पहले भाई रघुपुरा कहाँ से आ गई, कोई कह रहा है सीमा हैदर, कोई कह रहा है सीमा भाभी, गांव की भाभी। हाँ, वो तो वो इस गांव की भाभी है, अब वो सीमा खान नहीं और सीमा ठाकुर है। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि पहले शादी हो रखी है, एक उसका पति है, चार बच्चे हैं, तो वो जो उसका पति है सचिन, जो साथ बैठता है, वो कहता है वो ऑटो चलाता था यहीं पे, किराए का ऑटो, यहाँ कभी देखा उसको? हाँ, हमने यहीं पे देखा था, वो ऑटो चलाता, बात करता था। अब तो लेकिन अब नहीं बात करता, बिल्कुल चुप चुप रहता है। अब जब अंदर बाजार में परचूने वाले की दुकान के पास, वो वहीं पे काम करता था। पर जब से ये पाकिस्तान की लड़की सीमा हैदर आई है, जब से आई है सीमा हैदर, जब भी ये साथ बैठा होता है, जो भी सवाल पूछते हैं कि तुम कैसे आई, दुबई गई, वहां से आई, और तुम कहीं जासूस तो नहीं हो, या तुम्हारे को कैसे प्रेम हो गया, नेपाल ये कैसे चला गया, सब जवाब वो देती है जो पाकिस्तान से आई है, यानी कि सीमा हैदर। सचिन चुप रहता है, हमेशा चुप रहता था या पहले बोलता था? सचिन का स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या करें उसका, ऐसा ही वो आराम से बोलता होता वो। इसकी तो कह नहीं सकते हम, पीछे क्या, कुछ पीछे सीमा पार करके आई है बिना वीजे, बिना पासपोर्ट के, क्या पता क्या बला, तो पता कोई है तो जासूस भी तो हो सके। क्योंकि दादा सिर्फ एक और चीज है ना, यहाँ बात सिर्फ एक लड़की के चार बच्चे लेकर के यहाँ पे आने की नहीं है, वो कोई भी है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी के साथ तो ठीक है, कोई कहीं भी जा सकती है। यहाँ भारत और पाकिस्तान का मसला भी है भैया, एक पाकिस्तानी जो है बिना वीजा के यहाँ पे आ गई आपके गाँव में, पता भी नहीं, तो वकील ने पोल खोल दी, नहीं तो यही रह रही, फिर तो 2 महीने पता पड़े 50 दिन रह चुकी है। हाँ, पता ही ना किसी को भी कुछ भी। आपका क्या सोच रहे हैं? बिना वीजा के यहाँ कैसे आ सकता है? अगर पाकिस्तान से एक आ सकता है तो काफी आ सकते हैं, फिर पाकिस्तान से जब एक आ सकता है तो कोई रोक नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है फिर तो। ये चूक भी लगता है। चूक ही। कोई पता थोड़ी है जासूस हो, कौन है, कोई पता थोड़ी नहीं है इसकी, बिना पासपोर्ट हर चीज, बिना हर चीज फर्जी है इसकी। पहले शादी हो रखी है इसकी? हाँ जी, शादी सुधाई है। एक वीडियो उसकी कल और हुई है जारी, किसी और लड़के के साथ उसने वीडियो जारी करी है। एक और वीडियो आई है, एक वीडियो और है, प्लस एक और बोल रहा है लड़का और सामा वहाँ का कि मेरे संग भी इसका अफेयर चला था। इस तरीके से तो ISI, चलो ये ठीक है, लेकिन ISI औरों को भेज सकती है इसकी आड़। एक और चीज़ भी है ना, आप लोग तो इसी गाँव के हो, आपसे तो ये चंद चार कदम दूरी पे, आप तो सचिन को जानते हो भाई। ऐसा है कि सचिन तो अभी उसके साथ बैठा है, आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान का मामला है, तमाम और चीजें भी तो इसके आसपास हो सकती है ना। शातिर दिमाग, इस तरीके से शातिर दिमाग के लिए दीजिए, 80% इसके जासूस होने के चांस ज्यादा है। सचिन तो एक सीधा साधा लड़का था, उसे फंसा लिया इसने अपनी जान में, बाकी सचिन सही परिवार से या सीधा लड़का था वो, इसके 80% जासूस होने के चांस ज्यादा है। जिस तरीके से बयान बदल रही है कि मैं 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ, 5वीं तक भला इस तरह कोई बोल सकता है? यहाँ तो नहीं बोलेगा कोई, जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज है। उर्दू भी नहीं बोल रही? उर्दू नहीं बोल रही, नहीं, वो कह रही कि मुझ पर नमाज आती है, आपने इंटरव्यू देखा होगा उसका, उसमें सब मना कर रही है वो, मुझे नमाज नहीं आती। कह रही अब तो मैं हिंदू बन गई, इस गाँव की बहू हो गई हूँ, अब वो आप लोगों की आप लोग बताओगे, मतलब लेकिन भाई सच जो है उसके साथ होना, आप तो खुद का पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों है, लगभग आधे से ज्यादा हिंदू जानता होंगे हमारे धर्म के बारे में, मैं मुस्लिम हूँ, कि कलमा क्या होता है, अजान की टाइम हुई है, वो सब को मैं करिए, मैं जानती नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं कर। बोल रहे हैं सारे किरदार, बोल रहा है गांव,
बोल रहा है यहाँ पर हर एक बचा बचा हर बाशिंदा, लेकिन खामोश हो गई है इस वक्त सीमा और साथ साथ सचिन। आखिर खामोश क्यों होता है इंसान? खामोश वही होता है या तो उसके पास कुछ छुपाने के लिए हो, या फिर उसका झूठ पकड़ा गया हो, उसने कुछ चोरी की हो तो वो अपने आप को कमरे में बदल लेता है। हम उस गली में आ गए, यही गली है, ये देखिए वो घर है, ये देखिए ये वो घर है। एक बार कहूंगा मैंने, दोबारा ट्राई करो, एक बार खोलो, आओ। ने बहुत बार ट्राई किया, यहाँ पर ये घर बंद है, खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, यहां से आवाज नहीं आ रही। मैं आपको देखा, खामोश वो होता है, खामोश जिसके पास या तो छुपाने के लिए होता है, यहां पर किसी ने कोई चोरी की और वो पकड़ी गई और खुद को बंद कर लिया। अगर आप सच्चे हैं तो भैया आइए, 100 सवालों के जवाब दीजिए, 100 नहीं तो 150 सवाल का जवाब दीजिए। अगर सवाल जितने उतने सवालों के जवाब देती चली जाइए। अगर सिर्फ आपकी इतनी कहानी है कि आप पाकिस्तान की हैं, दुबई गई और वहां से नेपाल के रास्ते यहां पर आ गई, साथ में सचिन है, सचिन तो यहां का, अभी हमने तमाम लोगों से मुलाकात की, वो कह रहे हैं कि नहीं सचिन तो बिल्कुल ही सीधा सा आया, सचिन को तो उसने कब्जे में कर लिया। कम से कम सचिन बात करेगा ना, सचिन को बुला लो। सचिन, आप जरा देखिएगा अगर खोले तो। ना सचिन ना सीमा, अब तक ये दरवाजा एक सचिन कहने पे खुल जाता था और बाहर परिवार के बाकी सदस्य आ जाते थे, मगर आज ये दरवाजा ना सचिन कहने पे खुल रहा है ना सीमा कहने पे खुल रहा है। कहीं ना कहीं अब ये दरवाजा बंद इसलिए हो चुका है क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, सच्चाई पलट रही है। जिस तरीके से सीमा ने, बहुत सारे लोग हैं दूर दूर से आ रहे हैं तो एक बार उनसे बात करते हैं, लेकिन एक बार हाँ मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर ट्राई करते हैं। जो हिंदू बन गई, इस गांव की हो गई, भाभी भी हो गई, बेटी भी हो गई, फिर काहे का शर्माना? खोलिए। सीमा, सीमा जी, सच्चे, ये दरवाजा नहीं खुल रहा साहब, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे एक बात बताइए, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जब एक लड़की इतने दिन से कह रही है कि मैं हूं पाकिस्तान की, इधर आइए, मैं हूं पाकिस्तान की, मैं दुबई चली गई और वहां से नेपाल आ गई, और नेपाल के रास्ते मुझे पता था कि इंडिया आया जा सकता है, मेरे को तो प्रेम हो गया, अब क्या हो गया? सर देखो, सबसे पहले इस चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और दरवाजा ना खुलने का कारण, आपने बोला दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, दो ही बात हो सकता है सर, या तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से, या तो ये फेक है या तो फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड नहीं है तो जो सांच को आँच कैसा, सांच बाहर आइए और जो अपनी बात है हम तक बताइए, हम क्या है, हम आपकी खबर आगे चलाते हैं ताकि आपको न्याय मिल सके, आपको नागरिकता मिल सके, आपको हिंदुस्तान में रहने के लिए छत मिल सके। हम कोई गलत तो नहीं है, हम तो आप ही के लिए आए हैं ना, मीडिया किस लिए होती है, समाज का आईना होता है सर। तो बस आप इनको समझना चाहिए ना कि क्यों नहीं खोल रहे हैं। कल तक तो आप लोगों से बात कर रही थी कि मेरे गाँव वाले हैं, मेरे सब कुछ ही, कि जो बड़े हो गए वो पिता हो गए, जो छोटे हो गए वो भाई हो गए, आज आप लोगों से ये मुंह छुपा लिया। वो तो बात सब ठीक है, मगर सचिन तो आ सकता है, चलो कोई प्रॉब्लम भी है तो सचिन तो कबूतर क्यों बन गया, वो तो आ सकता है, वो तो जवाब दे सकता है, आई एम डाउटफुल। भाई सच्चाई देखो सामने आती है, बोलना चाहिए, हम बीमार हैं, हमारा गला है, हम पर जवान दिया तो बोलना चाहिए ना, हम कोई पकड़ तो नहीं लेंगे। उनकी सीमा से पहले भी तो रहता था ना इस गली में सचिन, क्या ऐसा था क्या? शरीफ है वो, उतना तेज ताराक नहीं है, लेकिन डाउटफुल है, जो जवाब नहीं दे रहा, कोई गेट नहीं खोल रहा, ये तो इंडिया है, सबको बोलने का हक है, सच कहने का भी हक है, सच भी कहने का सबका हक है, तो सच तो बोल दें कि भाई ये है, हमको प्रॉब्लम है, काम खत्म। अंदर एक पाकिस्तानी महिला, लेकिन ये तो उसका अपना देश है हिंदुस्तान। जी, जैसा कि यहाँ पर पिछले एक हफ्ता से दिन पर दिन मीडिया आ रही है और सबसे बात हो रही है, लेकिन कल आज हम सुबह अखबार पढ़ के आए हैं कि उनकी तबीयत खराब है। यदि हम मान रहे हैं उनकी तबीयत खराब है तो सचिन जी से तो मीडिया से बात कर सकते हैं, यदि सचिन जी नहीं तो उनका घर का तो गेट खुला होना चाहिए। एक महिला जो दूर पाकिस्तान से आई है ऐसे घर में बंद नहीं रह सकती, ये एक बहुत बड़ी डाउटफुल है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, और भारत सरकार को ये बात बहुत सख्ताई से लेनी चाहिए। वो कहती है कि वो 5वीं पढ़ी लिखी है, पाकिस्तान से आई है, लेकिन आप इतने दिन से देख रहे हैं वो तो इंग्लिश भी बोल रही है यहाँ पर और तमाम तरीके के सवालों का जवाब भी दे रही है। अब गांव वाले होते कैसे हैं, भोले भाले से होते हैं, आपको लगता है कि वो किसी एक छोटे से जगह की सिर्फ 5वीं पास महिला लगती है? गांव देहात की महिलाएं तो आपने भी देखी होगी। कोई भी बात है, चलो कोई भी डाउट बोले उगले तो सही बात को आकर के, हम ये भी जानते हैं कि जो सीबीआई वाले भी वहाँ से आते हैं ना, तो वो भी किसी बड़े आदमी को कैच करते हैं, ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को या किसी नेता को, तो ये लड़का तो उस लेवल का है नहीं, तो डाउट क्या निकल कर आ रहा है कि लड़का तो नॉर्मल है, परिवार से भी नॉर्मल है,
थिंकिंग पावर भी नॉर्मल है। और हम अब देखो क्लियर तो ये तो एजेंसियां लगी हुई हैं कर रही हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट को भी क्लियर तो करें। हाँ चाचा क्या लग रहा है भाभी ये क्या है? ये भाभी है, भाभी भी हो सकती है और आईएसआई की वो भी एजेंसी हो सकती है, ये पत्रकार सम्मेलन में बात। अच्छा जी अच्छा भाभी ठीक है, तो तमाम और लोग मौजूद हैं, आप तो कई दिन से हैं यहाँ पे, तो अच्छा आप इनके साथ ही, तो चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए इधर आइए इधर आइए, क्या चक्कर लग रहा था, वो रोज यहाँ पे आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, दरवाजा एकदम बंद हो गया। हम भी बाहर से आए, यहाँ से नहीं है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या क्या करने आए, ये देखने आए? हाँ क्या देखने आए? मिलना चाह, मैं भी देखना था इससे सीमा से। क्या सीमा के बारे में जानते हो, क्या सुना? जो मीडिया में चल रहा वही देखने आए थे, देखते हैं हम जाके। आपको लगा कि मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए कोई पाकिस्तान से। हाँ पाकिस्तान से, इसलिए तो किसी और देश से आती है तो कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, हाँ। पाकिस्तान से इसलिए मिलना देखना चाहिए कोई पाकिस्तान से। हाँ। इसलिए देखना चाहिए। तो आप दिल्ली से आए, लोग यहाँ कई जगहों से आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं दूर दूर से जगहों से आ रहे हैं। एक और यहाँ पर एक लड़का मौजूद था, वो कह रहा था कि यहाँ पर नहीं हो सकती, वो कहाँ गया हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा था कि यहाँ नहीं हो सकती, हो सकता है कि उसका क्योंकि यहाँ से किसी दूसरे का महेंद्र वो जो था, वो एक लड़का जो हमें कह रहा था कि लोकेशन भी चेंज की है या लोकेशन भी चेंज कर रही थी। पहले जो सीमा और सचिन है और रेंट पे रहते थे किराए पे दूसरे कस्बे में, अब यहाँ सचिन यहाँ आया था, उसके बाद जब लगातार इंटरव्यू चल रहे थे तो सचिन इस घर में था, ये घर छोटा पड़ने लगा। मतलब मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, कहूँगा ये घर इसी रात से सचिन सीमा और उसका पूरा परिवार अंदर जाता था, मगर आज की डेट में और लगातार पिछले 24 घंटे से ये दरवाज़ा बंद है। ये इसमें तीन कमरे हैं और ऊपर छत है, और ज़्यादातर इंटरव्यू नीचे और छत पे हुआ करता था और यही कमरा था, मगर कुछ दिनों के लिए इंटरव्यू जो शिफ्ट किया आगे हो गया क्योंकि खुलासा मैदान है। और सीमा का ये बार बार कहना था कि इंटरव्यू दूंगी तो इससे मेरी बातें दूर तक आए, मेरी सच्चाई दूर तक जाए। उसने ये भी कहा था कि जब तक मेरे सामने नहीं आऊंगी, जो मेरी सच्चाई है वो दुनिया तक नहीं पहुँचेगी, भारत की जनता तक पहुँचेगी। और रही बात सचिन की, राम राम कैसी हो? ठीक हो ठीक हो। अम्मा क्यों उतर आ गया मेरे वाले यहाँ पे? मुझे तू आ मैं भगवान जाने का पावे मैं। वो कह रही वो पाकिस्तान से आ गई। अब तो आप गई हो के लगे वो कह रही मैंने तो कह रही मैं तो यहीं बैठी हूँ, हिंदू होगी। हाँ हिंदू हो गई। हो गई हिंदू अपने दिल आशीर्वाद वो मान लो। हाँ बहू ये अपन देखी आँख नहीं देखी। अच्छा अभी नहीं देखी? नहीं ना। पर कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की है बगैर कागज की आ गई, तो इसलिए कैसे कहें बगैर कागज के साथ गए कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे ना। वो बगैर उसके आ गई ना, जो वीजा लगता है ना वीजा। हाँ। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे एक देश से जब एक देश से दूसरे देश जावे ना हैं तो ठप्पा लगे है ना वीजा, उसका वीजा नहीं लगा और वो बगैर वीजा के यहाँ वो लड़का रहता है ना सामने उसको तो देखा होगा माई वो सचिन, वो कह रही कि सचिन नेपाल आया था, नेपाल में उसके साथ प्यार हुआ यहाँ गेम खेलते खेलते और उसके साथ आ गई, क्योंकि नेपाल से जो है हमारा बॉर्डर खुला है, नेपाल आ सकते हैं, मतलब नेपाल से भग के आ गई। हम ब्राह्मण लोग हैं, हमने क्या पता बेकार किया, कैसे आई कैसे जाओ कैसे रीजा हुए कैसे इनको प्यार हुए, हमारे कोई खेले नहीं कूदे नहीं, पढ़ाई लिखाई करें हमारे बालक पर न हो, हमें कहा करें हम पड़ोस में हमारे घर भी तो रह करें, ये मोड़ के लेके जगह बना रही है वहाँ लेकर थोड़ी ही जब रह रहे भैया हमारा कोई, अब क्या करें भैया आ गई, अब पड़ोस में रहने पड़े भैया कहाँ जाए घर छोड़ कर अपनी बताओ कहाँ जा भैया कहीं ना जा अभी भीड़ रहने तो कल जाओ धकल धकल बोलो भी ना जाए भैया 90 साल की उम्र होगी मैंने तो ऐसा देखा आज तक ऐसा नहीं सुना भी नहीं होगा सुना भी ना नहीं तो सुनिए कि पाकिस्तान और अपना देश ही सुना पाकिस्तान हिंदुस्तान और कुछ नहीं सुना और एक पाकिस्तानी की यहाँ पे आ गई और आपके गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा ऐसा नहीं सुना था कभी।
मेरी किस्मत करियो वैसा। ना ना ना, ठीक है ठीक है, आप ख्याल रखो, आपकी उम्र है, ठीक है ठीक है, ख्याल रखो। ये लो पंखा जल दूँ थोड़ा सा, हैं गर्मी है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, राम राम। चल ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका जिक्र महेंद्र कर रहे थे कि हो सकता है, ये देखिए 90 साल की बुजुर्ग है, वो कह रही कि ना मैंने सोचा ना मैंने देखा, ये पता नहीं क्या हो गया, ये अपने आप में अकल्पनीय है जो यहाँ पर हो रहा है। ये किरदार है नहीं है तो और क्या, बिल्कुल सचिन के घर के सामने वाला घर है। किसी ने मिलवाया इनको, इनके ऊपर क्या बीत रही, ये कह रहे कि हम पड़ोस से क्या चले जाएं क्या। लेकिन चलिए पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछिए जरा। नहीं, यहाँ 2-3 दिन उनका इंटरव्यू चला था। हाँ तो अब क्या हुआ, अचानक इंटरव्यू कैसे बंद हो गया उनका? अब ये अपने उनके घर में नहीं, पहले मतलब हमने देखा सीमा सबको मतलब बुला के इंटरव्यू दे रही थी और कहीं ना कहीं अब उनके घर। लेकिन आप तो इतने पुराने गांव वाले हो जी सर, मतलब अब जब सवाल उठने लगे कि भैया एक पाकिस्तान की महिला बगैर वीजा के यहाँ रह रही, इतने सवाल उठने लगे, तो आपको क्या लगता है कि इस कारण से ये भी एक कारण हो सकता है? वरना तो सबके लिए जवाब था, सबके लिए जवाब दे रही वो, थोड़ी सी ये मीडिया वाले ने उनको खानों पीनों भी बिल्कुल दुश्वार कर दियो, टोरों के करीब वहीं अंदर ही होगी। सचिन क्यों नहीं बोल रहा है, हर जवाब सीमा ही देती है। अब यहाँ पर उनको बताएंगे उन्होंने, मियाँ बीबी, अब मैं क्या बता सकूँ जी बारे में। सचिन को तो आप पहले से जानते होंगे ना? हाँ जाने साहब, पड़ोसी हमारो सचिन तो यही पला बड़ा, यही पला। आप कह रहे इतना बिल्कुल सीधा साधा और बिल्कुल शरीफ सा है, शरीफ है साहब, बाला के सभी जानेपुर मोल। लेकिन शरीफ सा लड़का जो है वो पाकिस्तान की लड़की के साथ गेम खेल के पशुपतिनाथ नेपाल जाता है, नेपाल पे शादी करके चुपके यहाँ भी रह लेता है, फिर नेपाल जाके उसको ले आता है, मतलब ऐसा प्लानिंग कर सकता है साहब? यह बात हमने भी ना सोची कि ये बताओ लोग, और कोई विश्वास भी ना करो कि पाकिस्तान से बोले आया कोई। ऐसा लग रहा कि सचिन को माइंड डाइवर्ट किया हो या सचिन को बहलाया फुसलाओ उसके बाद, क्योंकि देखिए हमने सचिन से बात की, सचिन के दोस्तों से बात की, तो आपको यही कह रहा है कि सचिन बहुत भोला इंसान था, बहुत भोला लड़का है। लेकिन सर इसमें तो कोई दुराय ही नहीं, वैसे तो बालक सीधा हो, लेकिन ये गेम वेम जो चल रहे हैं पबजी पबजी, हम तो जाने ना आए में खेल खूल के कोई बैग हो तो भाई यही जाने। आप छोटे से जानते हैं किस तरह का लड़का था, खेल कूद में या उसका बिहेवियर बोलचाल कैसा था? तो खूब बढ़िया बोलचाल हो, हमारी तो बहू उनके सबसे चाची राम राम रामकृष्ण सारे करते टोल है, कोई दिक्कत ही ना, वैसे तो कोई बालक ऐसा तो है ही ना। अब आगे आप जन क्या लिखा के लाए हो दाता, ही तो कुदरत जाने। क्यों सर जी, बस फिलहाल कहने को जैसे वो अम्मा कह रही हैं, जैसे वो अम्मा कह रही कि भैया अब हम सामने पड़ोस में रहते हैं, अब हम पड़ोस में रहना छोड़ थोड़ा ना सकते हैं, हम तो यहीं रह रहे हैं ना शुरू से। अब हम दूसरे के बाद कैसे छोड़ देंगे अपने घर, हम अपने कैसे छोड़ जा सकें पड़ोस से? अगर कोई आ गई वो कह रही है कि मैं बदल गई, हिंदू हो गई या कोई यहाँ की नागरिकता, वो एक अलग चीज़ है, जांच भी हो जाएगी। लेकिन लेकिन तमाम सवालों के जवाब थे, अगर सब सवालों के जवाब है तो हमने जैसे दरवाज़ा खटकाया वो दरवाजा। अब सर जी ये तो आप मीडिया वाले परेशान कर रहे हो, यूट्यूबर परेशान कर रहे हो, उन्हें या बजे बंद कर दिए होंगे उन्होंने। बाबूजी सुबह 8 बजे यहाँ में और रात को 10 बजे तक बाद में मैंने मेरे यहाँ पे इंटरव्यू ले लियो, आप लोग ही आगे पत्रकार वगैरह कहने लगे थे चार से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए और भीड़ भड़का जा रही थी मेरी छत्तन पे सब पे, इतने आदमी हो गए कि मैं ही सुबह 10-11 बजे लगी बेचारी, रात को 9 बजे तक तो मैं ही परेशान रहूँ। अब बताओ बैठा भी तो आप कहाँ बैठा? आपको लगता है कि वो परेशान हो गई इस कारण से बंद है, लेकिन बहुत से गाँव वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ और लग रहा है, आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? कुछ दिन तक बहुत सुर्खियों में रहा आप तो इसी गाँव से ना, बहुत पड़ोसी गांव से, चलिए ये गांव बहुत सुर्खियों में रहा, पाकिस्तान से एक महिला आ गई, उसको यहाँ के लड़के से प्यार हो गया और बिना वीजा के जो है वो आ गई, किसी ने कहा कि ये गदर, एक वो गदर पार्ट टू है वो सनी देओल वाली, या किसी ने कहा कि ये तो अनोखी सी प्रेम कहानी है। अब दरवाजे बंद हो गए जब पूछताछ हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा है, अब क्या लग रहा है आपको, आप तो नौजवान है। ऐसा है ना, ये कई दिनों से तो इंटरव्यू दे रही थी बराबर, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी हो तो उस वजह से इंटरव्यू नहीं दे रही हो, नहीं तो अगर ऐसा कुछ डाउटफुल होता, वैसे जांच हो रही है। आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी हो सकता है, प्यार का मैटर है,
अब ऐसे ही जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, देखते हैं क्या निकलता है फिर उसके बाद देखते हैं। अभी तो वैसे इंटरव्यू तो उस दिन से आई उस दिन से दे ही रही हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी हो या घर में कुछ दिक्कत होगी हो। मतलब आपको अभी भी यकीन है सीमा की और सचिन की प्रेम कहानी? देखो जी, ये तो उसके बारे में वो ही जाने का उनका प्यार कितना सच्चा है, पर ये तो हम नहीं कह सकते कि वो किस वजह से यहाँ आई हैं किस वजह से नहीं आई। तो सचिन को ही उनकी रियलिटी का पता होगा क्योंकि सचिन हमसे ज़्यादा उनके साथ रहते हैं। हम उनकी रियलिटी का अंदाज से नहीं बता सकते कि क्या उनके मन में चल रही है और किस रीज़न से यहाँ पर आई होंगी। और बाकी तो यही कहना चाहेंगे, जो भी हो ठीक अच्छा हो, अपने एजेंसियाँ अच्छी तरीके से जाँच करें तो पता लगे सरकार को भी। यहाँ लोकल के बंदे भी बहुत सारे परेशान, रोज़ यहाँ भीड़ लगी रहती है। क्योंकि कहानी के कहानी का एक और किरदार ये भी है, वो किरदार ये है कि रबुपुरा सीमा हैदर की किस्मत में आया या सीमा हैदर ने रबुपुरा को चुना। क्योंकि रबुपुरा आप देखिए एक्सप्रेसवे से जिस वक्त चलते हैं, एक्सप्रेसवे से चलने के बाद बीच में एक सर्विस लेन कटती है और वो यहां पर देहात की तरफ अंदर आ जाती है, बिल्कुल एक गुम सा इलाका। अगर आप सीधे चलते जाए, अगर आपने जीपीएस भी लगाया हो तो एक बार तो आपको जीपीएस भी लॉस्ट कर देगा। तो गुम सा इलाका इस तरह की गलियों में ले जा करके कहीं एक गांव है। अब देखिए ये इसी गांव का ही लड़का जिस गांव में नेट ना के बराबर है, जिस गांव में देखिए जो फिलहाल जो है बहुत ही पुराने जो है अड़ोसी पड़ोसी जो है वो सारे जो है वो लोग बैठे हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन फिलहाल जो है हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है, लेकिन लोगों को अभी यकीन है। क्योंकि गाँव के लोग, यहाँ के लोगों की अगर आप यकीन कीजिए, इन किरदारों से आपको किसी ने नहीं मिलवाया, गाँव के लोग कितने भोले और क्या इसी सादगी का फायदा उठाया गया। या फिर आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान का मामला है, तमाम और चीजें भी तो इसके आसपास हो सकती है ना। ये सादर दिमाग की लीडी है, जिस तरीके से सादर की लीडी है, 80% इसके जासूस होने के चांस ज्यादा है। सचिन तो एक सीधा साधा लड़का था, उसे फंसा लिया इसने अपने जाल में। बाकी सचिन सही परिवार से या सीधा लड़का था, वो इसके 80% जासूस होने के चांस ज्यादा है। पता थोड़ी है जासूस हो कौन है, कोई पता थोड़ी नहीं है इसकी। बिना पासपोर्ट हर चीज फर्जी है इसकी। पहले शादी हो रखी है इसकी? हाँ जी, शादी शुदाई है। एक वीडियो उसकी कलर हुई है जारी, किसी और लड़के के साथ उसने वीडियो जारी करी है। एक वीडियो और है, प्लस एक और बुला है लड़का सामने वहाँ का कि मेरे संग भी इसका अफेयर चला था। इस तरीके से तो ISI चलो ये ठीक है, लेकिन ISI औरों को भेज सकती है इसकी आड़। एक और चीज भी है ना, आप लोग तो इसी गांव के हो, आपसे तो ये चंद चार कदम दूरी पे आप तो सचिन को जानते हो भाई। ऐसा है कि सचिन तो अभी उसके साथ बैठा है। आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान का मामला है, तमाम और चीजें भी तो इसके आसपास हो सकती है ना। सादिर दिमाग की लीडीज है, जिस तरीके से सादिर दिमाग की लीडीज है, 80% इसके जासूस होने के चांस ज्यादा है। सचिन तो एक सीधा साधा लड़का था, उसे फंसा लिया इसने अपने जाल में। बाकी सचिन सही परिवार से या सीधा लड़का था, वो इसके 80% जासूस होने के चांस ज्यादा है। जासूस है जिस तरीके से बयान बदल रही है कि मैं 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ, 5वीं तक भला इस तरह कोई बोल सकता है? यहाँ तो नहीं बोलेगा कोई, जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज है। उर्दू भी नहीं बोल रही? उर्दू नहीं बोल रही, नहीं। वो कह रही कि मुझ पर नमाज आती है, आपने इंटरव्यू देखा हो उसमें सब मना कर रही है वो, मुझे नमाज नहीं आती। कोई अब तो मैं हिंदू बन गई, इस गांव की बहू हो गई हूँ। अब वो आप लोगों की आड़ ले रही कि भैया आप लोग बचाओगे, मतलब इन द सेंस की, लेकिन भाई सच जो है उसके साथ हो ना, आप तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ, यहाँ भी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों हैं, लगभग आधे से ज़्यादा हिंदू जानते होंगे हमारे धर्म के बारे में भी। मैं मुस्लिम हूँ कि कलमा क्या होता है, अजान किस टाइम होती है, वो सबको मना कर रही है, मैं जानती नहीं हूँ, उसे कुछ पता ही नहीं है। धर्म परिवर्तन ही तो कर लिया, दिमाग थोड़ी परिवर्तन करा है? एक संग इतनी चीज़ है कैसे भूल जाएगा कोई इंसान, बताओ। उर्दू भी नहीं बोल रही? उर्दू भी नहीं बोल रही, ये जासूस 80%। और एक और चीज़ है, अभी तक भाई भारत से एक कोई पत्ता भी हिल जाए, यहाँ की सरकारें हिल जाती हैं। आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट वहाँ यूक्रेन में फंस गए थे, कैसे यहाँ पर गए, बसे गई और लेकर के आए, तमाम चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान की एक महिला ने आकर के यहाँ हंगामा किया हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कोई हंगामा नहीं, मतलब चुपचाप वहाँ की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी तो इस चीज़ की कोई जानकारी मिलेगी नहीं, अभी यह चीज़ को कोई भी डिस्कशन नहीं निकाल सके।
क्योंकि एक प्यार हुआ सचिन को और बाघ को दोनों को या चीज को कैसे प्यार भी लगा लेगा कि दो नंबर या तीन नंबर या कोई दो नंबर तीन उन दोनों का प्यार है उन दोनों को प्यार चलने दिया जाए। तुम्हें लगता है कि ये सच्चा प्यार है? मुझे सच्चा प्यार एक तरीका से मैं लगा चाहूँगा। मैं उसके पास लाइव गया था कल लाइव गया तो जब उस पर कुछ लिखवाया मैं पाँचवीं तक पढ़ी लिखी हूँ वे पाँचवीं तक पढ़ी लिखी मुझे नहीं लगा काई भी कीमत में। आपको क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रही है? सिर्फ पाँचवीं तक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी जो हालत है आजकल पाँचवीं क्लास का बालक इतना अब के टाइम पे तो है कि इंग्लिश बोल सकता है अच्छी तरीका से, जो उसका टाइम था उसके लिए नहीं बोल सकते इंग्लिश में। इस चीज़ में थोड़ा सा यही कंडक्शन लगे है कि भाई दो नंबरी है कुछ ना कुछ नहीं। हमने भी देखा है पाकिस्तान के वीडियो आते रहते हैं वहाँ की हालत कैसे है, हैं तमाम चीज़ें। हाँ कोई इसमें बड़ी घपले जरूर है थोड़ा सा लगता है जरूर है। कह रहे थे कि दो महीने से यहाँ रह रही थी पता ही नहीं लगा। दो महीने वे तो काफ़ी टाइम से सचिन के संग रह रही है। एक बार मैंने 14 दिन से तो वहाँ नेपाल के होटल में रह रही थी वे 14 दिन नेपाल 14-15 दिन नेपाल के होटल में रह रही थी। फिर उसके बाद भारत आ गई वे भारत आने के बाद फिर यहाँ से जेल चली जेल के बाद घर आ गई। कुछ ना कुछ थोड़ा गाने यहाँ में जरूर है थोड़ा गाना था। एक बात बताओ आप कह रहे हो कि आप लोग सारे लोग जो है वो सचिन को जानते हैं। आपने कहा कि सचिन तो सीधा साधा है तो हो सकता है कि सचिन प्यार के झांसे में आ गया हो या सचिन से प्यार हो गया हो। लेकिन एक बात बताओ लेकिन इतना आसान है कि मतलब कि सचिन यहाँ से नेपाल भी चला गया और नेपाल में उसने वहाँ शादी भी कर ली फिर वापस आ गया फिर वो चली गई पाकिस्तान फिर वो पाकिस्तान से वापस नेपाल आई फिर सचिन उसको लेकर के आया। तो बाबा वो सीमा पार करिए बिना पासपोर्ट बिना वीजे कोई चालाकी तो औरत है ऐसे तो कोई भी आ जाएगा फिर बॉर्डर पर क्या हो रहा कुछ भी ना हो रहा कोई भी घुस जाओ और भी घुस जाएंगे ऐसे तो कोई भी घुस के आ सके। और भैया चार बच्चों के साथ फिर तो कोई भी निकले आ पाँच पाँच जने आ रही फिर कहा कि सिक्योरिटी चल लिए कुछ भी ना फिर तो कोई भी घुस आओ वो तो सीधा साधा इंसान उसे पता ले लिया जहाँ से मैं चलते रहो बात जो हो रही है। और बोलो भैया बताओ क्या होनी चाहिए इससे पूछताछ होनी चाहिए क्या करना चाहिए इस वक्त आप? देखो जी पूछताछ तो होनी चाहिए जो भारत की जांच एजेंसी है वो पूछताछ करें निष्पक्ष तरीका से। अगर उस पर कोई आरोप निकलता है मान लो जासूसी का आरोप निकलता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से। अगर प्यार का मामला है तो फिर उसे रहना चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक भी है तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत सरकार जैसे मान लो नेपाल से वो आ गई तो अदरवाइज ऐसा तो और भी कोई आ सकता है इस चीज़ पर भारत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तो इस चीज़ का ये। आपको क्या लगता है महेंद्र मतलब कि लोग जो हैं शुरुआत में जब ये कह रहे थे कि जब हम पहले दिन पहुंचे थे तो मामला थोड़ा सा ये था कि ठीक है लोग आ रहे हैं सीधा उस गली में जा रहे हैं कि भैया एक पाकिस्तानी यहाँ पर आई हुई जब वो कह रहे लेकिन दो महीने से वो रह रही है और तमाम चीज़ें आपने देखी अब लोग भी थोड़ा सा शको शुबा करने लगे हैं। क्योंकि देखिए सचिन जो सचिन नाम का व्यक्ति है लड़का है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है तमाम लोग ये कह रहे हैं सचिन काफ़ी भोला भाला है और जो सीमा है वो काफ़ी शार्प माइंड है अपने बयान बदल रही है अपने धर्म को कभी बताती है कभी हिंदू धर्म को बताती है कभी पाकिस्तान की तारीफ करती है कभी उसका वोटर का आईडी कार्ड अलग दिखता है उम्र वो 27 साल बताती है 22 साल उम्र दिखता है। गुलाम हैदर से कहती है मारपीट चल रही फिर कहती है गुलाम हैदर अच्छा आदमी है। तो कहीं ना कहीं जब सारी जो ग्रामीण के लोग हैं बहुत भोले वाले होते हैं वो महिला आई अपनी हिंदुत्व का कह रही है कि मैं हिंदू रीति रिवाज से शादी करूंगी कृष्ण जी की पूजा कर रही है। तो कोई भी महिला अगर बाहर से आती है यहाँ अगर कृष्ण जी की पूजा करती है तो हम लोग तो यही सोचेंगे भाई ये तो हमारे धर्म को मान रही है अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। मगर कहीं ना कहीं लोगों का कहना ठीक है कि जाँच होनी चाहिए। सीमा इतनी शरीफ नहीं है जितना दिखाया जा रहा है सीमा इतनी शरीफ है नहीं जितना आपको बता रही है। मैं कह रहा हूँ मैं अगर दिल्ली जाऊँ और दिल्ली से मुझे अमेरिका जाना हो तो मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। मगर आप सोचिए सीमा पहले पाकिस्तान से वीज़ा बनाती है जिसका आधार कार्ड ना हो वो उसने वीज़ा बनाया दुबई गई दुबई से फिर उसने फ्लाइट चेंज की फ्लाइट चेंज करने के बाद फिर वो नेपाल काठमांडू के बाद चार बच्चों के साथ वो भारत आई और उसका ये कहना है कि इस बीच सचिन ने मेरी मदद की। मगर सचिन के पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है पुलिस ने बताया कि सारा का सारा जो मामला है वो सीमा तक जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जांच सही में होनी चाहिए और इस पर एक पैनी नज़र रखनी चाहिए। नहीं लेकिन एक और बात बताओ आप जैसे पढ़े लिखे हो आदमी हो हैं मुझे बात बताओ आप पढ़े लिखे हो ये पढ़े लिखे कोई भी नॉर्मल भी आदमी होगा मैं उसको कहूँ कि भैया ऐसा है कि रूल तोड़ दो उसमें आपको जेल हो सकती है आप नहीं करोगे आपको आपको मालूम है कि भैया आप जिसको साथ लेकर के आ रहे हो उस पर वीज़ा नहीं है तो आप भी फंसोगे साथ। तो आपको लगता है इतना आसान था कि सचिन उस झांसे में फंस गया? सर अगर हम यहाँ से दिल्ली जाएं बिना गाड़ी के कागज़ के हमें वहाँ डर लगता है जाने में और वो वहाँ से स्टेट पार कर करके यहाँ आ रही है तो ये तो कुछ ना कुछ इशू हुआ है 100%। बाकी इस पर गवर्नमेंट इस पर अच्छी तरीके से जाँच करे जो क्लियर है उसे क्लियर करे तो तभी अच्छा लगेगा। दोनों की कहानी क्या लगती है? सर अभी कहानियाँ क्या बताएंगे अभी तो चल रही हैं धीरे धीरे कहानियाँ अभी जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी इसको
तब तक क्या होगा? आईबी वगैरह हो गया, एनआईए हो गया, ये जो हैं जितनी भी गवर्नमेंट की अपनी ब्रांचें हैं या है, तो इसको अपने क्लियर करें। नहीं नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि सचिन को तो आप जानते हैं ना, सचिन यहीं आया करता था ना, आप है ना काम करता था, आप कह रहे हैं कि सचिन को तो आप जानते हैं, तो इतना आसान है कि सचिन को पता होगा कि उसके साथ चार बच्चे हैं, वो जिसको लेकर के आ रहा है उसका वीजा भी नहीं है? नहीं, जब उसने कोई मीडिया पर बयान दिया था तो उसने यही बात कही थी कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसने खुद कहा था उस सीमा से कि अब वापस जाओ अपने बच्चों के साथ लेकर आओ, जब हम साथ अपना जीवन काटेंगे, तो उसके ये बयान थे उसने जब मीडिया पर ये बात कही थी। पर उसके बाद ये है कि अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इस चीज़ का तो प्रशासन ही पता लगा सकता है, लेकिन हमारा तो ये कि मुझे वो जहाँ तक भी जासूस की संभावना उसकी ज़्यादा। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है हमें तो महेंद्र चला जाए उस जगह पर, अब हम चलते हैं उस जगह पर। आपने देखा कि हमने एक कोशिश की रायशुमारी करने की, हमने कोशिश की उस जगह पर जाने की, हमने कोशिश की कि हम आपको दिखा सकें कि आखिरकार यहाँ के लोग, क्योंकि इन लोगों का जानना, इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जानते हैं सचिन को, इन लोगों ने सचिन को देखा है। वो कह रहे हैं कि कोई कह रहे कि ऑटो चलाता था, आपने तो सिर्फ सचिन को सुना कि वो मीडिया के सामने बैठ गया। ये पर्दे के पीछे के किरदार है, आज तक सामने नहीं आए हैं, इनका सामने आना बहुत जरूरी है। इस कारण से हमने आपको सबसे पहले इनसे मुखातिब कराया, अब आपको ग्राउंड पे लिए चलेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि ये सब लोग जो कह रहे हैं, ये सब लोग जो सोच रहे हैं, इन सब लोगों की सोच से उनकी कहानी, वो जो दो किरदार हैं, वो मेल खाती है कि नहीं खाती है। कोई जासूस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो तमाम लोगों ने कहा, कोई कह के सचिन वहां काम करता था, नहीं वो तो बहुत ही सदा है, कोई कह रहा है कि नहीं बिल्कुल, अब किसे चुप हो गया, वो बात क्यों नहीं कर रहा, तमाम चीजें इसको और टटोलते हैं। लोगों से बात की, इन किरदारों को आपने आज तक नहीं देखा था इंडिया न्यूज पर, आप ये सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, लगातार जारी है।